सुखी रहने के लिए स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति ही सुखी होता है, ये भारत की सर्वमान्य परिभाषा है और हजारों साल से चली आ रही है। हमारे देश में जितने भी महान व्यक्ति हुए सबने एक बात कही कि सुखी वही है जो स्वस्थ है। आपके पास बहुत पैसा है, आप सुखी नहीं है, क्योंकि पैसे से सुख नहीं खरीद सकते, पैसे से सुविधाएं खरीदी जा सकती है, सुख नहीं खरीदा जा सकता। आप करोड़पति हो या रोड़पति, स्वस्थ है तो सुखी है, अगर स्वस्थ नहीं है तो कोई सुख आपको नहीं है। हजारों करोड़ के एम्पायरों के मालिक लोगों से मैं कई बार मिला हूं और मैंने उनको दिन में 20-20 गोलियां खाते देखा है, 25-25 गोलियां खाते देखा है। गोलियां वो ऐसे खाते हैं जैसे सब्जी खाते हैं। हाँ, कई बार तो मैंने देखा है कि सब्जियों की जगह पर गोलियां ही गोलियां खाते रहते हैं। चार गोली सुबह खा लिया, चार दोपहर को, दो कैप्सूल के साथ चार रात को, फिर अगले एक हफ्ते में और दो चार इंजेक्शन ठुकवा लिए। ये स्थिति उनकी है, करोड़ों करोड़ों रुपए का उनका साम्राज्य है, फिर भी कहीं किसी स्तर पर स्वस्थ नहीं। तो स्वस्थ होने के लिए हमारे यहां तो बहुत पहले से ये मान लिया गया कि आप स्वस्थ हैं तो सुखी हैं, और जिस देश में स्वस्थ होने के लिए शास्त्र लिखा गया हो वहां लोग इतने बीमार पड़े, तो ये समझने की बात है कि हमसे कोई गलती हो रही है क्या, चूक हो रही है। क्योंकि शास्त्र तो हमारा कहता है कि आपको सुखी ही होना चाहिए, आनंद में ही रहना चाहिए, स्वस्थ ही रहना चाहिए, लेकिन हम अगर बीमार हैं तो कहीं कोई बड़ी गलती है। वो गलती क्या है, वो गलती समझने के लिए पिछले कई वर्षों से मैं कुछ दस्तावेज पढ़ता रहा तो मुझे